बताऊं आपको कि इतना कुछ है कि वहाँ पे आप एक बार जाओगे ना, आपका वहाँ पे वापस आओगे ना तो आपका दिल नहीं करेगा यहाँ से वापस आने का। हम आ चुके हैं मौजपुर धाम डेरा बुद्धरवाली में। यहाँ पे बहुत ही भीड़ है, बच्चे बूढ़े जवान यहाँ पे उत्साह पूर्वक आए हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा किस उपलक्ष्य में हुई है। तो मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजनी। मैम यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई है ये किस उपलक्ष्य में इकट्ठा हुई है? ये हमारे गुरुजी के द्वारा स्थापना दिवस मनाया जाता है, उसके कारण यहाँ पे जो सारा क्राउड है इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे हर साल भंडारा मनाया जाता है, सब लोग अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पिताजी का प्यार प्रेम यहाँ पे सब आपको दिखाई दे ही रहा है भी, यहाँ पे कितना प्यार करते हैं लोग पिताजी से, कितना क्राउड पिताजी के अंदर होने के बाद भी कितना क्राउड है यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कि कितना प्यार है लोगों में, आप सबको दिख ही रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे सारे स्थापना दिवस मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। मैम क्या डेरे में लड़कियां सुरक्षित हैं? हाँ जी, मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ डेरे की। वहाँ पे हमें लिटल रोजेस का नाम दिया जाता था पिताजी के द्वारा। वहाँ पर पता लगता है कि हम यहाँ पर आके कितने असुरक्षित फील कर रहे हैं। वहाँ पर हमें पिताजी हर चीज़ सिखाते थे, जैसे कि कराटे, कैसे लड़कों का सामना करना है, कैसे दुनिया को करना है, हर चीज़ का कॉन्फिडेंस पिताजी के द्वारा हमें दिया जाता था। पिताजी खुद आते थे हमें, मेरे को खुद पिताजी की बहुत याद आती है कि जब हम पिताजी हमारे से मिलने आते होते थे सारों को इकट्ठा करके। मैं खुद एक हॉस्टलर रह चुकी हूँ, जैसे कि वहाँ की इतनी सारी चीज़ें हैं कि ना एक शब्द में आप बयान नहीं कर सकते कि वहाँ के क्या बताऊं आपको कि इतना कुछ है कि वहाँ पे आप एक बार जाओगे ना, आप वहाँ पे वापस आओगे ना तो आपका दिल नहीं करेगा यहाँ से वापस आने का। आज मैं खुद यहाँ पे हूँ तो मुझे ऐसे होता है मैं दोबारा हॉस्टलर बनूँ, वहाँ पे पिताजी का प्यार लूँ। पिताजी इतना प्यार देते थे ना लड़कियों को, पिताजी हर को अपना बेटी, मेरी बेटी है ये हमारी बेटी का नाम देते थे। मेरे पापा ने तो खुद ही बोल दिया था कि ये आपकी बेटी है पिताजी, आप सामलो। पिताजी कहते बेटा आपके आगे है कोई बात नहीं, जो है आपकी बेटी है आप संभालो। पिताजी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मैम ने बताया है कि मैम खुद डेरा सच्चा सौदा में हॉस्टलर रह चुकी है, हॉस्टल में मैम पढ़ते थे, मैम ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। तो मैम आप प्रशासन को क्या अपील करना चाहोगे? प्रशासन को अपील करना चाहूंगी कि बस पिताजी के पीछे लगे रहें, पिताजी को भूल लेना, जो पिताजी अपने को कहते हैं वो बिल्कुल सही है और वो सच भी हो रहा है। जैसे कि मूवीज में सबने बहुत कुछ बोला था कि मूवीज के बारे में मूवीज ऐसे हैं ऐसे हैं, अब सबको दिख रहा है जो पिताजी मूवीज में बता रहे थे ना वो बिल्कुल रियलिटी हो रही है, बिल्कुल रियलिटी है। इसलिए प्रशासन से कहूँगी पीछे मत हटो, पिताजी के वचनों पर चलते रहो, बस यही कहना चाहूँगी। आपने देखा कि मैम ने बताया और प्रशासन से अपील भी की है कि जो पिताजी हैं वो डेरा सच्चा सौदा के जो गुरुजी हैं वो बुराइयां छुड़वाने में बहुत ही अग्रणी हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।